आगे देखिए टेक्नोलॉजी, इनकी तकलीफ इतनी हो गई है देख महोदय, विगत 4-6 महीने में ही हम लोग तो कोरोना में दो साल के लगभग बिता दिए। इनके कुछ नेताओं ने तो कहा कि मुख्यमंत्री को राशन पेंशन जैसे छोटे छोटे काम पर मुख्यमंत्री को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, याद है इनके नेताओं ने कहा है, अखबारों में आया अध्यक्ष महोदय। मैं नाम नहीं लेना चाहता अध्यक्ष महोदय, इनको भी संज्ञान में होगा, मुझे हंसी आती है अध्यक्ष महोदय इनके वैचारिक बौनेपन का। क्या दृष्टि है अध्यक्ष महोदय इनके नेताओं का, और ये झारखंड की असलियत से कितने दूर है अध्यक्ष महोदय, इसी से प्रतीत होता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार गरीब को 1,000 रुपए पेंशन दे रही है, 10 रुपए में 2-3 साड़ी दे रही है अध्यक्ष महोदय, 1 रुपया प्रति किलो अनाज दे रही है अध्यक्ष महोदय, और कई ऐसे जन कल्याण निर्णय सरकार लेते हुए आगे बढ़ रही है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मैं मानता हूं कि आज ये 1,000 रुपया, 10 रुपया धोती साड़ी, 1 रुपया अनाज, ये अध्यक्ष महोदय आज के दिन में भी ये एक अदना सा, ये बहुत मिनिमल, मतलब अध्यक्ष महोदय कहा जाए कि ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है आज के दिन में 10 रुपये धोती साड़ी हमें देना पड़ रहा है, 1,000 रुपये देना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय, 1 रुपया अनाज देना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज राज को 21 साल हो गया अध्यक्ष महोदय, आज ये समस्या समाप्त हो जानी चाहिए थी, आज ये विद्यमान है तो ये किसके कारण है, इसके जिम्मेवार कौन है? अध्यक्ष महोदय आज इतनी गरीबी, आज ये 1 रुपया अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय सुनिए 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 सुनिए, और ये कहते हैं, और अध्यक्ष महोदय ये कहते हैं कि पेंशन और राशन के पीछे मुख्यमंत्री को ध्यान नहीं देना चाहिए। सुनिए बिरंजी जी, बिरंजी जी सुनिए सुनिए सुनिए, आज सुनिए ना, आज क्यों इतना ये राज गरीब और ऐसी स्थिति बनी पड़ी है, आज इसके जिम्मेवार सब ये बैठे लोग जो बौद्धिक आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक रूप से ताकतवर लोग हैं अध्यक्ष महोदय, और ये गरीबों को और गरीब बनाने की इनका जो एक षड्यंत्र था अध्यक्ष महोदय, उसका नतीजा है अध्यक्ष महोदय। आज बस सुन लीजिए, अभी और अच्छी अच्छी बातें आएंगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय इन लोगों ने आरोप लगाया कि 50 लाख रुपया का रजिस्ट्रेशन महिला कराएंगी तो उसको 1 रुपया निबंधन शुल्क लगेगा, इसको इन लोगों ने महिला सशक्तिकरण से जोड़ दिया। बताइए अध्यक्ष महोदय 50 लाख रुपया, रणधीर जी सुनेंगे कौन महिला है, हम लोग एक सब जाएंगे अपनी तरफ से, यहाँ हमको बता दे इस सत्र में बैठे हुए महिला सदस्य लोग, अगर महिला सबकी पत्नियां हैं, सबकी बहने हैं, कौन विधायक है जो अपनी पत्नी के नाम 50 लाख रुपए का 1 रुपया में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ अध्यक्ष महोदय? ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का एक योजना है अध्यक्ष महोदय
हमारी प्राथमिकता में 50 लाख की संपत्ति खरीदने वाले की जगह। इरफान साहब रणधीर जी को डिस्टर्ब न करें, वो बैठ के सुन रहे हैं, डिस्टर्ब न करें, बैठ। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्राथमिकता में 50 लाख रुपया का संपत्ति खरीदने की जगह 25,000 हड़िया दारू बेचने वाली महिलाएं, जो विवश महिलाएं हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का है। हमारी प्राथमिकता अध्यक्ष महोदय, पेंशन के लिए इंतजार कर रही 5 लाख से ज्यादा विधवा महिलाएं हैं अध्यक्ष महोदय, कुपोषित से शोषित महिलाएं, राशन कार्ड के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाती हुई वृद्ध महिलाएं, हम इनके लिए पेंशन, रोजगार, राशन कार्ड की व्यवस्था हम लोगों ने की है सरकार, हम लोगों ने की है अध्यक्ष महोदय, सरकार ने किया है अध्यक्ष महोदय, और ये मेरे समझ में अध्यक्ष महोदय यही महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता जी। जो कमजोर को अपने पैरों पर खड़ा करे। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय अगर खेती बाड़ी की बात करें अध्यक्ष महोदय, आज राज्य में अध्यक्ष महोदय 7 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है अध्यक्ष महोदय, अभी जितने दिन अभी हमारे हुए हैं, अभी हम लोगों ने थोड़ा एक्टिविटीज किया है अध्यक्ष महोदय, उतने दिन में लगभग 3 लाख से अधिक किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया, 7 लाख के अलावा अध्यक्ष महोदय, और हमारा लक्ष्य है अध्यक्ष महोदय ये 7 लाख को 35 लाख तक पहुंचाने का अध्यक्ष महोदय, और ये मिशन मोड में हम करेंगे अध्यक्ष महोदय, ताकि इस राज्य में, और ये अध्यक्ष महोदय एक मंत्री यहां बैठे हैं अध्यक्ष महोदय ले दे करके अध्यक्ष महोदय, और इस इन्होंने 7 लाख पर छोड़ा अध्यक्ष महोदय 14 सालों में अध्यक्ष महोदय, और हम लोग अध्यक्ष महोदय 35 लाख का लक्ष्य लेके चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हाथी की बाव तालाब में ले जाएंगे, आपको चिंता मत कीजिए, अभी आप बैठिए अध्यक्ष महोदय, आप अच्छा काम किया, बैठिए ना, बैठिए, नहीं नहीं रणधीर जी अच्छा काम हम किया, सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, बीच बीच में सुझाव देते थे लेकिन नहीं मानने पर क्या करें अध्यक्ष महोदय, झारखंड पिछड़ा राज्य है हम सब जानते हैं, यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बहुत आयत है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने सर्वजन पेंशन लागू किया हुआ है अध्यक्ष महोदय, बड़ी विडंबनाएं थी अध्यक्ष महोदय, अब तक विधवा महिलाओं को 40 वर्ष से कम उम्र महिलाओं को पेंशन नहीं मिलता था अध्यक्ष महोदय, दिव्यांग जब हो उसको 18 साल जब तक ना हो तो उसको पेंशन नहीं मिलता था अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मैं फिर कहूंगा अध्यक्ष महोदय, ये दृष्टि का विषय है अध्यक्ष महोदय, ये सोचने और समझने का विषय है अध्यक्ष महोदय, देखने का तरीका है अध्यक्ष महोदय, हम गरीबों के प्रति क्या दृष्टि रखते हैं, कमजोर के प्रति हमारी क्या सोच है, और अध्यक्ष महोदय हमको तो लगता है अध्यक्ष महोदय कि 18 वर्ष इसलिए इन लोगों ने रखा था अध्यक्ष महोदय, ताकि अध्यक्ष महोदय उसके साथ या कोई घटना घट जाए या मुरमुरा जाए अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय इसीलिए हम लोगों ने ये सारी चीजों को खत्म करते हुए 18 साल की उम्र से ही हम लोगों ने विधवा पेंशन प्रारंभ किया अध्यक्ष महोदय, आज महिलाएं कभी भी किसी घटना की वजह से विधवा हो सकती है अध्यक्ष महोदय, इसकी सीमा से समय सीमा बांधने से कहीं ना कहीं उसके साथ हम जाति करेंगे अध्यक्ष महोदय, अब किसी भी पेंशन में अध्यक्ष महोदय ये बीपीएल की बाध्यता नहीं होगी, उसे समाप्त किया गया अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय सरकार का साफ सोचा अध्यक्ष महोदय,
सबकी सुरक्षा, चाहे किसी भी कीमत सुनिए रणधीर जी, महोदय रणधीर जी सुनिए, सुरक्षा सुनिए का कोई कीमत हम नहीं लगा सकते अध्यक्ष महोदय।